दिल्ली में यूं तो आज सुबह से बारिश बंद है, लेकिन पिछले दो दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूं और इंडिया गेट पर आप देखें कि करीब 5 फुट लंबा और 5 फुट गहरा ये गड्ढा हो गया है, क्योंकि बारिश जिस तरह से लगातार हुई है सड़क ये धस गई है, और सड़क धसने के बाद ये जो गड्ढा है आप देखें कि कितना बड़ा गड्ढा है, जिसको NDMC के जो काम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। और इस गड्ढे के होने के बाद जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी है। आप देखें कि चारों तरफ ये बैरिकेटिंग कर दी है, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है जो पूरी दिल्ली को जोड़ता है, तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बैरिकेटिंग कर दी है। और बैरिकेटिंग करने के बाद जो गाड़ियाँ हैं उनको साइड से निकाला जा रहा है। राहत की बात ये रही कि जब ये गड्ढा हुआ उस वक्त कोई हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो बारिश के बाद दिल्ली में तमाम जगहों पर इस तरह से सड़कें धंस रही हैं और रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, और फिलहाल जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने आप देखें कि बैरिकेटिंग करने के बाद जो गाड़ियां आ रही हैं उनको साइड से निकाला जा रहा है ताकि कोई हादसा ना होने पाए। तो यहाँ पर जो NDMC के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ बात करने की कुछ कर्मचारियों से जो यहाँ पर आए हैं कि आखिर कब तक ये गड्ढा भरा जाएगा और क्या होगा। सर ये गड्ढा जो हुआ है, सर ये गड्ढा प्लीज यार हम थोड़ा सा इन चीजों का क्या फायदा, सड़क टूटी है, ये कब तक भरा जाएगा सर? हो जाएगा तुरंत। आप क्यों इतना इशू बना रहे हो, तो नॉर्मल है। तो आप देखें ये कह रहे हैं कि ज्यादा इसको इश्यू ना बनाए क्योंकि ये भर जाएगा, लेकिन बारिश के बाद जो असर है आप देखने को मिल रहा है, और इस तरह से तमाम जगहों पर जो है वो गड्ढे हो रहे हैं, और जो दिल्ली की सड़कें हैं वो धस रही हैं। अब इनका कहना ये है कि बहुत जल्दी ही ये गड्ढा भर दिया जाएगा, लेकिन गड्ढा होने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।